यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कन्नौज जिले में एक नाबालिग दिव्यांग के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खेल रही दिव्यांग बच्ची को गांव का एक लड़का बहला फुसलाकर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत खराब होने पर आरोपी उसको झाड़ियों में फेंक कर ही फरार हो गया। घायल अवस्था में घर पहुंची बच्ची ने आप बीती परिजनों को बताई और बच्ची को फौरन वो थाने ले जाकर पहुंचे और उसकी शिकायत की। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि न्याय के लिए वो काफी देर तक घायल बच्ची के साथ थाने में बैठे रहे। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारियों के दखल के बाद थाना सौरिक में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग बालिका के साथ दुराचार की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई है और FIR दर्ज करते ही इसमें आगे कार्रवाई शुरू हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है और संपूर्ण प्रकरण की गहराई से विवेचना की। बच्ची की हालत खराब होने पर आरोपी उसको झाड़ियों में फेंक कर ही फरार हो गया। घायल अवस्था में घर पहुंची बच्ची ने आप बीती परिजनों को बताई और बच्ची को फौरन वो थाने ले जाकर पहुंचे और उसकी शिकायत की। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि न्याय के लिए वो काफी देर तक घायल बच्ची के साथ थाने में बैठे रहे। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारियों के दखल के बाद थाना सौरिक में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग बालिका के साथ दुराचार की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई है और FIR दर्ज करते ही इसमें आगे कार्रवाई शुरू हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है और संपूर्ण प्रकरण की गहराई से विवेचना की। बच्ची की हालत खराब होने पर आरोपी उसको झाड़ियों में फेंक कर ही फरार हो गया। घायल अवस्था में घर पहुंची बच्ची ने आप बीती परिजनों को बताई और बच्ची को फौरन वो थाने ले जाकर पहुंचे और उसकी शिकायत की। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि न्याय के लिए वो काफी देर तक घायल बच्ची के साथ थाने में बैठे रहे। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारियों के दखल के बाद थाना सौरिक में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग बालिका के साथ दुराचार की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई है और FIR दर्ज करते ही इसमें आगे कार्रवाई शुरू हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है और संपूर्ण प्रकरण की गहराई से विवेचना की। बच्ची की हालत खराब होने पर आरोपी उसको झाड़ियों में फेंक कर ही फरार हो गया। घायल अवस्था में घर पहुंची बच्ची ने आप बीती परिजनों को बताई और बच्ची को फौरन वो थाने ले जाकर पहुंचे और उसकी शिकायत की। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि न्याय के लिए वो काफी देर तक घायल बच्ची के साथ थाने में बैठे रहे। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारियों के दखल के बाद थाना सौरिक में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग बालिका के साथ दुराचार की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई है और FIR दर्ज करते ही इसमें आगे कार्रवाई शुरू हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है और संपूर्ण प्रकरण की गहराई से विवेचना की।